आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सदर पुलिस ने जनरल स्टोर में छापा मारकर 10 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस का कहना है कि दुकान से नशेबाजों को मादक पदार्थ बेचा जा रहा था। सदर क्षेत्र में एक जनरल स्टोर से मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही थी। नशेबाज गांजा खरीद कर ले जाते थे। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक अजय कौशल ने पहुंचकर दुकान की तलाशी ली तो 10 किलो गांजा बरामद हुआ। एसपी सिटी विकास कुमार का कहना है कि गांजा बेचने के आरोप में 2 महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह थाना सदर की पुलिस ने 10 किलो NDPS बरामद किया है, 10 किलो गांजा बरामद किया है और साथ में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी जो कार्रवाई हुई है वो थाना सदर क्षेत्र के एक दुकान कमलेश जनरल स्टोर में हुई है और इसमें जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दुकान से गांजा बेचने में महिलाएं भी सहयोग करती चली आ रही थी। पुलिस ने महिलाओं को भी पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। पकड़े गए जयप्रकाश, विजय, कमलेश, गीता देवी से पूछताछ करने पर पता चला कि वह सस्ते में गांजा खरीद कर महंगे दामों में बेचते चले आ रहे थे। उनका नाम है कमलेश उर्फ भक्तानी, गीता देवी, धर्म प्रकाश, उमेश और विजय। इन सभी के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है और साथ में और भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरा इसका चेन क्या है, नेटवर्क क्या है, पूरे नेटवर्क पे भी कार्रवाई होगी। एसपी सिटी का कहना है कि पकड़े गए गांजा तस्करों से पूछताछ कर इस कारोबार में शामिल लोगों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। पुलिस के लाख कोशिश करने के बाद भी मादक पदार्थ की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।